बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप सब? मैं बेटी को अल्लाह का शुक्र है। और जी, ये दोपहर की रोटी बन रही है हमारे घर में, तो रोटी खाने के बाद हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान पढ़ेंगे। तो आज चावल बनाने हैं हमने। हाँ जी, सालन नहीं है तो आज ये अंडा चलेगा। अंडा है और सबज मर्च है, बस इसमें थोड़ा सा नमक डालना और कुछ भी नहीं है। तो आज की रोटी के साथ ये चलेगा, क्योंकि आज की सालन ख़त्म है। सालन भी बनाया मैंने, क्योंकि मैं और मेरे दीदी होते हैं, नानी अम्मा होते हैं, इसलिए इस वजह से ज़्यादा खर्चा नहीं करते। ये एक अंडा है, इस वजह से बस यही बना रही है। हाँ जी जी, ये अंडा और रोटी मेरी नानी अम्मा की, और ये अंडा और रोटी ये मेरी। मेरा अंडा थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। तो जी जी, हमारा लंच तैयार हो गया। हाँ जी, चाय हो गई रेडी और मैंने हाफ कप जो है पी भी लिया, और अब इसको सारे को ख़त्म करूँगी और नमाज़ पढ़ते हैं। तो जी, मैंने नमाज़ अब पढ़ ली है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम जो अगला काम है वो कुरान पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं शाम के खाने का बंदोबस्त करूँगी। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि वो मैंने ना, मतलब मैं काफ़ी हेल्दी हूँ और अब स्मार्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि इन घुटनों में बहुत दर्द होती है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, फिर नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने 3 दिन हो गए वॉक शुरू की हुई है। तो अब मैंने मतलब मज़ीद और एक्सरसाइज, जो खाने पीने की डाइट है, अब आगे से पहले माशाल्लाह आगे जो रमज़ान भी आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मैं एक और चैनल बना ले अपने वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ बताइएगा कि मैं चैनल बनाऊं या ना बनाऊं। जो मेरे मतलब आप में से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि मुझे अच्छी ही रहनुमाई देंगे, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।